हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके नाभि में यह तीन बदलाव दिख रहे हैं तो यह एक बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा है। जिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होता है तो उन्हें नाभि में यह तीन बदलाव बहुत ही तेज़ी से दिखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में तीन बदलाव दिखे थे बेबी बॉय के टाइम, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपके प्रेगनेंसी में यह तीन बदलाव दिखे, जिससे आप भी काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु एक लड़का है या एक लड़की है। तो बहुत ही सटीक है, तो सिम्टम्स को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको जो भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा वो आपके डाउट्स क्लियर हो सके। सबसे जो पहला बदलाव है कि अगर आपका नाभि जो है, नाभि के पास आपकी जैसे गोल गोल करके जस्ट नाभि के बीचों बीच काली परत हो गई है, नाभि के पास डार्कनेस बढ़ते जा रहा है, रंग काला होते जा रहा है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन का भी बात नहीं कर रही हूँ या टेढ़ी मेढ़ी लाइन का, ऐसे ही कालापन आ रहा है, काली परत होते जा रही है। तो यह एक बहुत ही पक्की निशानी मानी जाती है कि जब गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होता है तो काली परत बहुत ही तेज़ी से गर्भवती महिला को देखने के मिलते हैं नाभि के ऊपर। चलिए दूसरे सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जो नाभि में ही बदलाव दिखते हैं। वह यह है कि अगर आपका नाभि का जो रंग है, नाभि के पास जो लाइनें सीधी हो रही है, टेढ़ी हो रही है या डार्क हो रही है, तो इसका क्या संकेत है? अगर आपके लाइन, नाभि का लाइन जो है सीधी हो रही है, काली हो रही है, डार्क हो रही है, तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। वही नाभि की लाइन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका नाभि जो है प्रेगनेंसी में नाभि के पास जो लाइनें होती है वो सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी है, किस टाइप से है। और ये भी बोला जाता है कि जिन महिलाओं को यानी कि नाभि के पास जो नाभि होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है, और जिनकी नाभि अंदर की तरफ है एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं सब महिलाओं पे अलग अलग वर्क करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी ये सिम्टम्स सही ही बैठेंगे, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं तो सबका अलग अलग सिम्टम्स है, तो हार्मोन्स अलग बनते हैं तो जाहिर सी बात है सिम्टम्स भी अलग होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके मैं आप सभी के लिए प्रेगनेंसी टिप्स लाती हूँ जो मेरा खुद का प्रेगनेंसी जर्नी होता है। हमेशा खुश रहिए, खुश से बांटिए, हमेशा मोटिवेट रहिए और खुश रहिए, अपनी प्रेगनेंसी का इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।